अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट क्या होता है? हमारे पास अगर किसी बॉडी पर वर्क करें तो हमारे पास हीट की सूरत में हो सकता है। वो किसने प्रूव किया था, कब हुआ था? कह रहा है वी नो डैट बोथ हीट एंड वर्क कोरस्पॉन्ड टू ट्रांसफर एनर्जी बाय सम मीन्स, यानी कि हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। एन आइडिया वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द सिस्टम इंजन विच वेयर इट वॉज नेचुरल टू ट्रांसफर हीट इन टू एंड इंड एंड और गेट आउट वर्क। यानी हम इंजन में हम कोई भी देते हैं तो हमारे पास वर्क जो होता है वो एज ए हीट आउट की सूरत में आ सकता है, आता है। अब वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स इन्वायरमेंट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। यानी जो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से वर्क किया गया होगा माहौल पर, ये हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन जो करे सिस्टम, वर्क करे सिस्टम, वर्क करेगा इन माहौल के ऊपर, तो हमारे पास पॉजिटिव। अगर जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क किया जाए, या सिस्टम खुद वर्क करेगा तो पॉजिटिव, सिस्टम पर वर्क किया जाए तो वो नेगेटिव होगा, और इन्वायरमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। इफ एन अमाउंट ऑफ क्यू इंटर द सिस्टम, इट कुड मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज इधर इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एज अ रिजल्टिंग क्वान्टिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग ऑफ बोथ। ये वर्क एंड हीट आ गया हमारे पास। आ गया कैलकुलेट द वर्क डन बाय थर्मोडाइनमिक सिस्टम ड्यूरिंग वॉल्यूम चेंज। यानी वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क डन कैसे हमारे पास आता है। कंसिडर अ गैस इनक्लोज इन सिलेंडर विद द मूवेबल पिस्टन फ्रिक्शनल लेस पिस्टन क्रॉस सेक्शन एरिया ए। यानी हमारे पास लेट्स सपोज कोई गैस है इन पिस्टन में या सिलेंडर में, और उसके वॉल्यूम इन इक्विलिब्रियम सिस्टम द ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड एक्सर्ट प्रेशर पी ऑन द वॉल ऑफ पिस्टन ऑफ सिलेंडर। द फोर्स एक्सर्ट बाय द गैस ऑन द पिस्टन एफ इक्वल टू पी ए। पी हमारे पास क्या है? प्रेशर एयर। यानी कि फोर प्रेशर का फार्मूला हमारे पास पी बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, और फोर्स बराबर है पी ए यानी प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, यानी कि अगर हम पिस्टन को दबा रहे हैं तो डिस्टेंस डेल्टा वाई कवर हो रहा है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है डब्ल्यू डी, डब्ल्यू बराबर है एफ डी के। एफ की वैल्यू ये जो है पी ए पुट कर दें, और डी जो है हमारे पास डेल्टा वाई है यानी डिस्टेंस की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो पी ए है, पी ए जो है एरिया ए डेल्टा वाई, ए जो है एरिया, डेल्टा वाई जो है मीटर, ये दोनों मीटर और मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं पी और ए डेल्टा वाई की जगह पर डेल्टा वी, ये वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। द वर्क डन कैन आल्सो बी कैलकुलेट फ्रॉम द कर्व पी वी डायग्राम, यानी इस डायग्राम से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारे पास वर्क डन इन वॉल्यूम चेंज, यानी कि वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज आप तक पहुंचती रहें।